हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में सिंगल और मल्टीपल डिटेक्टर रो सिस्टम के बारे में बताऊंगी। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउ हम फर्स्ट पढ़ेंगे सिंगल डिटेक्टर रो सिस्टम। ऑल कमर्शियल स्कैनर कंटेन मैनी डिटेक्टर्स एलिमेंट्स अलाइन इन सिंगल रो। मीन्स जो हमारे पहले के जितने भी स्कैनर थे उसमें काफ़ी सारे डिटेक्टर जो थे एक सिंगल रो में लगे हुए होते थे। द सिंगल रो डिज़ाइन वॉज यूज इन बोथ थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन सिस्टम। जो सिंगल रो डिज़ाइन जो है थर्ड और फोर्थ जनरेशन सिस्टम में यूज हुआ था। इन थर्ड जनरेशन सिस्टम अप्रॉक्सीमेटली 700 to 750 डिटेक्टर्स एलिमेंट्स वर अरेंज इन एन आर। हमारी थर्ड जनरेशन में 700 to 750 डिटेक्टर्स एलिमेंट जो है एक आर्क में अरेंज थे। एंड इन फोर्थ जनरेशन सिस्टम यूज एज 4800 डिटेक्टर्स इन एन सिंगल रो अरेंज इन अ कम्प्लीट रिंग। जो हमारा फोर्थ जनरेशन थे सिटी की, उसमें जो डिटेक्टर है वो कंप्लीट रिंग में लगे हुए होते थे एक सिंगल रो में, और उस सिंगल रो में हमने 4800 डिटेक्टर्स का यूज़ किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इन द स्कैनर विद सिंगल डिटेक्टर रो ईच डिटेक्टर एलिमेंट इज क्वाइट वाइड इन द जेड डायरेक्शन अप्रॉक्सीमेटली 15 mm। मीन्स ये जो स्कैनर्स है सिंगल डिटेक्टर रो, जिसमें डिटेक्टर की एक सिंगल रो लगी हुई होती है, इन स्कैनर्स में जो डिटेक्टर एलिमेंट है वो जेड डायरेक्शन में वाइडर होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 15 mm में। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग द कॉलिमेटर कंट्रोल्स द स्लाइस थिकनेस बाय कंट्रोलिंग द पोर्शन ऑफ द डिटेक्टर्स रे दैट इज एक्सपोज टू द इनकमिंग एक्स रे। मीन्स जो कॉलीमेटर ओपन और क्लोज होता है वो कंट्रोल करता है स्लाइस थिकनेस को, और ये स्लाइस थिकनेस कैसे कंट्रोल होगी, डिटेक्टर के वृत्त को कंट्रोल करके जो हमारी इनकमिंग एक्सरेज है उन पे एक्सपोज होते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको आगे बताऊंगी। नाउ नेक्स्ट इज द वृत्त ऑफ द डिटेक्टर इन द जेड एक्सिस इन अ सिंगल डिटेक्टर एरे प्लेस एन अपर लिमिट ऑन स्लाइस थिकनेस। मीन्स जो सिंगल डिटेक्टर एरे है उन डिटेक्टर की जो अपर लेयर होती है वो स्लाइस की थिकनेस के अकॉर्डिंग फिक्स्ड होती है। ओके, द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द कॉलिमेटेड एक्सरे सोर्स इन दिस सिस्टम इज कॉमनली रिफर्ड टू एज फैन बीम। मीन्स जो रेडिएशन एमिटेड होती है कॉलिमेटेड एक्सरे सोर्स से, हमारी एक्सरे ट्यूब से, इस सिस्टम में वो फैन बीम है। मीन्स जो एक्सरे बीम प्रोड्यूस होती है वो फैन बीम की शेप में होती है इस सिस्टम में। ओके ओके, नाउ लुक एट इन दिस पिक्चर। ये एग्जांपल है जो हमारी प्रीवियस स्लाइड का जो सेकंड पॉइंट था ओपनिंग एंड क्लोजिंग कॉलीमेटर का, ये उसका एग्जांपल है। ठीक है, इन आ सिंगल डिटेक्टर रो सिस्टम डिफरेंट स्लाइस थिकनेस आर ऑब्टेन बाय मीन्स ऑफ एडजस्टिंग प्री पेशन कॉलीमेशन ऑफ द एक्सरे बीम। मतलब सिंगल डिटेक्टर रो सिस्टम में जो डिफरेंट स्लाइस थिकनेस होती है उसको हम किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, बाय एडजस्टिंग प्री पेशन कॉलीमेशन ऑफ एक्सरे बीम। एक्सरे बीम के प्री पेशन कॉलीमेशन को एडजस्ट करके। अब बात आती है कि प्री पेशन कॉलीमेशन क्या है, जो पेशेंट से पहले कॉलीमेटर लगा हुआ होता है उसको हम प्री पेशेंट कॉलीमेटर कहते हैं, और जो पेशेंट के बाद कॉलीमेटर लगा हुआ होता है उसको हम पोस्ट पेशेंट कॉलीमेटर कहते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सिटी स्कैनर। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंशन उसका कर दूँगी। ठीक है, अब हम जो पिक्चर ए है उसमें जो कॉलीमेटर है वो मैक्सिमम खुला हुआ है, ज़्यादा खुला हुआ है, जिसकी वजह से हमें पेशेंट की स्लाइस की वाइडर स्लाइस हमें मिलेगी। ठीक है, और बी पॉइंट में, बी वाली पिक्चर है जो, उसमें हमें जो कॉलीमेटर है वो थिनर खुला हुआ है, मतलब बहुत कम मात्रा में खुला हुआ है, जिसकी वजह से हमें इसकी थिनर स्लाइस मिलेगी, जो पेशेंट की हमें थिनर स्लाइस मिलेगी। तो ये स्लाइसेस में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, अगर कॉलीमीटर ज़्यादा ओपन है तो हमें उसकी वाइडर स्लाइस मिलेगी,
और अगर जो कॉलीमेटर है वो कम ओपन है तो हमें उसकी थिनर स्लाइस मिलेगी। तो ये डिफरेंस था, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ईच गैंट्री रोटेशन प्रोड्यूस डाटा फॉर अ सिंगल स्लाइस। मीन्स जितनी बार गैंट्री रोटेट करेगी उतनी बार हर एक एक स्लाइस का डाटा हमें मिलता रहेगा, जिसकी जिससे हेल्प से हम इमेज की रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये तो था हमारा सिंगल डिटेक्टर रो सिस्टम के बारे में। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अब वो क्या हैं? इनसफिशिएंट वॉल्यूम कवरेज विद इन वन ब्रेथ होल्ड टाइम ऑफ द पेशेंट और मिसिंग स्पेक्चर रेजोल्यूशन इन द जेड एक्सिस ड्यू टू वाइड कॉलिमेशन। मीन्स हम जब पेशेंट को कहते हैं कि ब्रेथ होल्ड करने के लिए फॉर स्कैनिंग के लिए, तो कुछ स्कैन तो ऐसे होते हैं कि एक ही ब्रेथ होल्ड में कंप्लीट हो जाते हैं और अच्छे से वॉल्यूम का कवरेज लेते हैं, लेकिन कुछ स्कैन ऐसे होते हैं जिसमें अच्छे से वॉल्यूम कवरेज नहीं हो पाती है एक सिंगल ब्रेथ होल्ड में, ठीक है। एक तो ये था, और हमारे वाइड कॉलिमेशन जो जेड एक्सिस में वाइडर कॉलिमेशन हो जाता है उसकी वजह से स्पेक्चर रेजोल्यूशन जो होता है वो मिस हो जाता है, तो अच्छे से क्लियर नहीं आ पाता है। तो ये एक ड्रॉबैक था इसका। नेक्स्ट क्या है? द आइडल आइसोट्रॉपिक रेजोल्यूशन दैट इज ऑफ इक्वल रेजोल्यूशन इन ऑल थ्री स्पेक्चर एक्सिस कैन ओनली बी अचीव फॉर वेरी लिमिटेड स्कैन रेंज। मीन्स जो इक्वल रेजोल्यूशन होता है तीनों स्पेक्चुअल एक्सिस में, एक्स वाई जेड एक्सिस में, वो लिमिटेड ही स्कैन रेंज पे हमें अचीव हो पाता है अच्छे से, हमें सिर्फ कुछ ही स्कैन्स में हमें मिल पाता है, सारे स्कैन्स में नहीं मिल पाता। तो ये इसके ड्रॉबैक्स थे हमारे सिंगल रो डिटेक्टर सिस्टम के। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टी डिटेक्टर रो सिस्टम। न्यूयॉर्क सिटी सिस्टम कंटिन्यू टू यूज मैनी डिटेक्टर एलिमेंट सिचुएटेड इन आर रो। जो हम अब न्यू सिटी सिस्टम में यूज करते हैं काफ़ी सारे मैनी डिटेक्टर एलिमेंट जो एक रो में लगे हुए होते हैं। हाउएवर दे मे कंटेन फ्रॉम 4 to 64 पैरेलल रोज। मीन्स इसमें 4 to 64 पैरेलल रोज जो है मल्टी डिटेक्टर रो सिस्टम में लगी हुई होती हैं। इन मल्टी डिटेक्टर रो स्कैनर आ सिंगल रोटेशन कैन प्रोड्यूस मल्टीपल स्लाइस। मीन्स इस स्कैनर में जो मल्टीपल डिटेक्टर रो स्कैनर है इसमें एक सिंगल रोटेशन पर ही काफ़ी सारी स्लाइस हमें प्रोड्यूस होती है। Therefore, multi-detector CT produce longer and faster Z-axis coverage per gantry rotation. एक gantry के rotation से जो Z-axis है वो longer और faster coverage लेती है slices का। Slice thickness is determined by a combination of the X-ray beam width controlled by the collimator and detector configuration, that is slice thickness is determined by detector size not by the collimator. means जिसमें जो slice thickness है वो हम कैसे determine करेंगे? X-ray beam के width और detector की configuration के combination से। और जो X-ray beam है वो control किससे होएगी? collimator से। और जो इस system में जो हम multi detector row system में जो slice thickness है वो detector के size से हम पता लगाएंगे, ना कि collimator से, क्योंकि collimator से हमने किस में पता लगाया था? single detector row system में। but multi detector row system में हम slice thickness का पता detector के size से लगाएंगे। okay, the radiation emitted from the collimator X-ray source is in this system is commonly referred to as a cone beam। जो रेडिएशन इमिटेड होगी इस सिस्टम में मल्टी डिटेक्टर रो सिस्टम में वो कॉन बीम है। जो शेप होगी बीम की वो कॉन की शेप में होगी। ओके, मल्टी डिटेक्टर चैनल कैन बी यूज्ड फॉर आइदर एक्सियल और हेलिकल डाटा एक्विजिशन। मींस इस चैनल में हम या तो एक्सियल और हेलिकल डाटा एक्विजिशन का यूज़ करेंगे। और ये टोटली किस पर डिपेंड करेगा? कि जो स्कैनर है हमारा वो कैसे मैन्युफैक्चर हुआ है और किसमें कितने नंबर ऑफ डिटेक्टर्स की रोज लगी हुई है, उससे हम पता लगाएंगे कि हम इसमें एक्सियल डाटा एक्विजिशन का यूज़ करेंगे या हेलिकल डाटा एक्विजिशन का यूज़ करेंगे। ईच सिंगल डिटेक्टर कैन प्रोड्यूस मल्टीपल स्लाइस, मतलब कि हर एक डिटेक्टर जो है वो मल्टीपल स्लाइस प्रोड्यूस करेगा। अब ये तो था हमारा मल्टीपल डिटेक्टर रो सिस्टम के बारे में। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, वो क्या हैं? हाई वॉल्यूम कवरेज, ये हमें हाई वॉल्यूम कवरेज देता है, हाई स्पीड देता है और रिड्यूस करता है टाइम फॉर डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन में टाइम का रिड्यूस करता है, मतलब जल्दी डाटा कलेक्ट करता है, उसमें टाइम
ज़्यादा नहीं लगाता है, बहुत फास्ट होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।